घर जाएंगे जब पेपर निकलेगा। दो साल से रूम लेके रह रहा हूँ सर यहीं पे, कोचिंग कर रहा हूँ, और आज कौन सा बोलेगा मैं घर जाऊंगा अगर पेपर नहीं होगा सर बताइए। आज तक तो कुछ बता भी नहीं सकता है वो चीज, लेकिन नेताओं के पास ये नहीं है, उनके घर घूमने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, एसी वाली गाड़ी चाहिए। चार साल मैंने मेहनत करके रेस निकाली आदमी की भर्ती में, और आज तक नहीं बचा पाएंगे, अंग्रेजों ने गुलाम किया था। और सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, देश की सेवा के लिए देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। सेनाओं ने पहले से जारी भर्ती को भी रद्द कर केवल अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती लेने का ऐलान किया है। ऐसे में अब युवा इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और इस बीच चंपावत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां युवाओं का आक्रोश चंपावत के मुख्य चौराहे पर बस स्टेशन पर देखने को मिला। साथ ही रैली भी निकाली गई और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, और युवाओं ने इस स्कीम को वापस लेने की मांग की, और उन्होंने कहा टीओडी लागू नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आर्मी का पेपर भी होकर रहेगा, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। देखिए चंपावत से ब्यूरो चीफ जीवन बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक बेटर, मैं हूं आपके साथ जीवन बिष्ट। सच वही जो हमने कहा, हमारे साथ युवा साथी एकदम से बैठे हुए हैं, एक आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है हमारे साथ। हम इन युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं, ये पर्चा दिखाइए, क्या लिखा है सर इसमें? आर्मी भर्ती परीक्षा शीघ्र से शीघ्र जल्दी करवाएं। हाँ, तो क्या कहना चाह रही है बताइए, क्या समस्याएं हैं? सर, पिछले रानीखेत में हमने भर्ती दे रखी थी 2021 में, और उस 2020-21 में जो हमारे फरवरी महीने में भर्ती दी थी, अभी तक उसका परीक्षा की तिथि नहीं गया, और कल इनके आर्मी के चीफ द्वारा यह बोला गया है कि जो परीक्षा है वो रद्द करवा दी गई है। तो अब सर हम क्या करें, हमारी हम तो एज ओवर एज हो चुके हैं, तो हम किस रास्ते को जाए, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। तो और एक दूसरी तरफ से सरकार एक टीओडी को लेके आ रही है, टीओडी को कि जो एक्स आर्मी मैन है उनकी पेंशन बंद कर, अगर पेंशन बंद ही करनी है तो ये विधायक है जो एमएलए है उनकी पेंशन बंद करो ना, जो दो बार पंचवर्षीय अगर चुनाव लड़ रहे हैं उसके बाद उनकी पेंशन बंद कर दो। ये गरीब एक गरीब किसान का बेटा जाता है जो आर्मी में, जो गरीब से गरीब वर्ग के बच्चे जाते हैं जो आर्मी में जाते हैं, उनका क्यों कर रहे हैं बंद? आज देश की बहुत ही बेकार स्थिति हो चुकी है। जो ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जो ये जीडीपी की बात करते हैं, ये सब खत्म कर दिया है इन्होंने, केवल हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करना शुरू कर दिया है, जो आगामी जो आने वाले हमारे भविष्य के बच्चों के लिए बहुत ही नकारात्मक होगा, और इसके हम घनघोर निंदा करते हैं। सरकार से हमने कम से कम 10 बार ज्ञापन दे दिया है कि एक तिथि, एक जो हमारी आर्मी एग्जाम की तिथि है, वो तिथि हमें एक निश्चित तिथि बता दीजिए, जिस हिसाब से बच्चे जो जितने भी सिलेक्टेड हुए, जिनने फिजिकल मापदंड पास किया है, मेडिकल मापदंड पास किया है, वो अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे। ये बार बार डेट बदल रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, पोस्टर में अखबारों में पेपर देकर क्लियर डेट फिक्स कर दिया, ये पिछले एक दो साल से यही कर रखा है, और सारा बजट खत्म कर दिया है। देखो जो आपने उनके पहनते हैं, कुछ नहीं, जो आक्रोश है वो एक शांत तरीके से कोई पोस्टर फेंक के या तोड़ के थोड़ी ना आक्रोश इस वजह से हो रहा है, पिछले दो साल से हम शांतिपूर्व से थे, लेकिन आज ये एक कदम उठाने का, ये लोगों के अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि अब नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि दो साल से हम यही बैठ के हमने सुना है, लेकिन आज ये युवा नहीं रुकेगा, क्योंकि इनके अब गरीब परिवार से पेट में खाने के लिए नहीं है, सरकार भी हमें लाश क्या नाम है सर? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं दो साल से तैयारी कर रहा हूँ, उससे पहले भी तैयारी करी मैंने, बहुत सी सारी भर्तियाँ दी, चाहे उसमें फिर मैं रेस नहीं निकाल पाया, उसके बाद इस बार दिया मैंने, कितनी मुश्किलें हुई है मुझे पता है। हमने इतने दो साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हमें एक बार भी रिटर्न नहीं हो रखा है। और टीओडी क्या हुआ सर, आर्मी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? ये आर्मी के साथ ही क्यों, और चीज़ों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? आर्मी हम सर तुम्हारी रक्षा भी करें, हम तुम्हारी सब चीज़ करें, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है सर? हम क्या चाहते हैं, हमें तो देश सेवा की रक्षा करने के लिए मौका मिल रहा है, हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम सेवा करेंगे, हम इधर धूप में जा रहे थे, ठंड में जा रहे, ये लोग थोड़ी जा रहे हैं, ये तो घर में एसी की हवा खा रहे हैं। इतना रैली में होती है उनकी पेटियां आ जाती है, इतना हम किसी पार्टी की रैली में होते बिस्लरी की पेटियां आ जाती है। आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं आएगा, जिस नेता में दम है वो आए। तो साफ साफ देखा जा रहा है कि युवाओं में एकदम से जोश है, और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उनकी बातें भी जायज हैं, हम ये मानने की कोशिश करते हैं। और क्या कहना चाह रहे हो भैया जी? हम कोई सरकार से कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं, ना ही हम उनसे कुछ मांग रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं जो हमने मेहनत करी है उसके बाद हमें पेपर कराया जाए और रिजल्ट कराया जाए। हम किसी सरकार से कोई भीख नहीं मांगना चाहते हैं, अपना हक मांग रहे हैं जो हमने मेहनत करी है। अभी नेता अपने उसमें बर्बाद करने के लिए ये प्रचारों में पैसा बर्बाद करते हैं, और बजट की बात कर रहे हैं, वो 1 करोड़ का मोदी जी सूट पहन रहे हैं,
उनको वो चीज़ नहीं दिख रही है। एक जो पहाड़ का युवा यहाँ पे, एक पहाड़ का युवा यहाँ पे अपना मेहनत करने के बाद रात दिन मेहनत करके जाता है और घर की हालत ऐसी होती है कि उसको कुछ बता भी नहीं सकता है वो चीज़। लेकिन नेताओं के पास ये नहीं है, उनके घूमने के लिए गाड़ियाँ चाहिए, एसी वाली गाड़ी चाहिए। हम धूप में इतनी मेहनत करते हैं, कोई नहीं देखता उस मेहनत को। इनको ये चाहिए कि बस हमारी सरकार बनी रहे, हमारा बजट देखते हैं ये। एक जो सेना का जवान होता है वो रात दिन ये 15 साल के लिए मेहनत करता है, उसके बाद क्या कहते हैं पेंशन रोक दें। 5 साल नेता रहता है, लाइफ टाइम इसकी पेंशन रहती है, इसको क्यों नहीं रोक देते हैं? एक जवान के लिए जो मेहनत करता है वो पेंशन मांग रहा है, वो ना किसी से कुछ भीख मांग रहा है, अपनी मेहनत का मांग रहा है जो उसने रात दिन कमाया हो और मेहनत करी हो। जायज़ी बात कहना है कि इनका आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, लेकिन तोड़ फोड़ ना करें। मैं तो यही सबसे युवाओं से कह, जैसे उनके पोस्टर जला रहे थे या जिस हिसाब से उनके पोस्टर को तोड़ा जा रहा है, एक एक आराम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस सरकार ने ये परीक्षा रद्द कर दी है, तो हाल ही में 3 दिन के अंदर ये जो नियम लागू हुआ है इसके भीतर कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इसका क्या कारण है? ये सरकार ही तो कारण है। अगर हम अपना कुछ जबरदस्ती मांग रहे हैं, उनसे कुछ हाथ पैर में भीख मांग रहे हैं, ये है, हम तो अपना जो हमारा जो हक है मिलना चाहिए वही तो मांग रहे हैं हम। देखिए इस सरकार को तो जो 2 साल से भर्ती पेंडिंग पड़ी है, हाँ, उसका आप रिजल्ट मांग रहे हो, उसके कि उसको क्लियर कर दो। जी सर, हटना चाहिए सर, इसका मतलब है टूर ऑफ ड्यूटी की तैयारी करते हुए, और आज ये 4 साल के लिए हमें सेना में रख रहे हैं। टूर ऑफ ड्यूटी है क्या? टूर मतलब क्या है? घूमने जा रहे हैं हम लोग, इनकी रक्षा करें उसके बाद चले गए। सर ये क्या बात हुई? पहाड़ का बंदा, पहाड़ में कोई रोजगार नहीं है। पहाड़ का बंदा जो होता है फौजी होता है, पहाड़ का बंदा जो भी होता है, पहाड़ में कोई रोजगार नहीं है। पहाड़ का बंदा जो भी करता है अपनी मेहनत से बन के फौजी बनता है, और ये वो सपना भी हमारा तोड़ दे रहे। हम 4 साल के लिए क्या रोजगार करेंगे सर? हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं, हमें एज तो लिखी सर। 4 साल मैंने मेहनत करके रेस निकाली आर्मी की भर्ती में, और आज जाके आज मेडिकल में फिट हुआ और मेरी एज चली गई, और ये कहने हम पेपर नहीं करेंगे, कौन सी बात हुई सर? मोदी जी क्या सोचते हैं? उनकी सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो जाते हैं, वो भी हमारे बीच से जाते हैं। 4 साल में क्या सोचते हैं? एक युवा इतना अच्छा सिपाही बन पाएगा, उनकी रक्षा कर पाएगा, वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। अंग्रेजों ने गुलाम किया था और गुलाम होगा। 4 साल में कोई अच्छा नहीं, कोई नेता का तो साफ साफ इनका कहना है कि युवाओं में जो उसको क्लियर कराया जाए, और जो 4 साल का आश्वासन दिया है उसको कैंसिल करा जाए, वो निर्णय वापस लिया जाए, जो निर्णय है उनको वापस किया जाए। सर तो किस मुंह से अपने घर जाएंगे? कोई नेता का बच्चा आज तक फौज में नहीं गया। सर अब हम किस मुंह से अपने घर को जाएंगे? हम 2 सालों से किराए रुकने रखा है, दो साल हो गए यहाँ रूम लेके कोचिंग जा रहे हैं सुबह शाम। कहा था कसम खाई थी जब भर्ती होंगे तब घर जाएंगे। सर पेपर ही नहीं होगा तो हम किस मुंह लेकर घर ले आएंगे? इनने कसम, एक क्या नाम आपका? सर मनोज जोशी। मनोज जोशी ने क्या कसम खाई थी कि घर जाएंगे जब पेपर निकलेगा? 2 साल से रूम लेके रह रहा हूँ सर, यहीं पे कोचिंग कर रहा हूँ, और आज कौन सा मुंह लेके मैं घर जाऊंगा अगर पेपर नहीं होगा? सर बताइए, क्या मुंह सर? हमारे साथ इंसाफ है? फौज में नहीं गया, क्यों नहीं गया जवान? देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।